तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने मंगाया था एनी टाइम इम्प्रेशन से एक प्यारा सा मॉल्डिंग किट, क्योंकि मुझे भगवान अधियोगी को डेकोरेट करना था। तो ये किट मेरे पास आ चुका है, तो चलो हम लोग चेक करते हैं कि इस किट में क्या क्या हमें मिलता है और कैसे कैसे इसे यूज करना है। तो चलो आ जाओ। तो इसमें ये वुडन स्टैंड होता है जिसमें एक्रेलिक सीट दिया जाता है इसमें स्टैंड करने के लिए। सो ये है बहुत अच्छा, जो मुझे नहीं पता है कि और भी किट में इससे भी ये मिलता है कि नहीं मिलता है। देन ये है स्टेप वन, जो मॉल्डिंग पाउडर है जिसका हम लोग को यूज़ करना है फर्स्ट टाइम में। और उसके साथ हमें सेकंड स्टेप वाला भी पैकेट दिया जाता है जिसे हम लोग हमें सेकंड स्टेप में यूज़ करना है। देन इसके अंदर क्या है, चलो देखते हैं। फिर इसमें कुछ ये मिक्सिंग के लिए दिया जाता है और एक ब्रश दिया गया है इसमें शायद कलर करने के लिए। तो आई थिंक इसके अंदर कलर भी अवेलेबल होगा ही। हाँ, इसके अंदर कलर भी है। और ये छोटा छोटा पैकेट है जो ट्रायल के लिए दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई न्यू या कोई फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है, जिन्हें यूज़ करने नहीं आता है, तो वो फर्स्ट इसे ट्राई कर सकता है, फिंगर डालकर चेक कर सकता है कैसे होता है, देन इसका यूज़ कर सकता है। चलो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और हाँ, ये वाला ही है। और इस पर कुछ एक पेपर भी दिया गया है, इसे आप लोग बाद में पढ़ लेना क्या है, क्योंकि मैं पूरा पढ़ने जाऊँगा तो फिर वीडियो बहुत ही लंबा बन सकता है। सो चलो देखते हैं और क्या है। और ये बकेट है जो प्यारा सा, हम लोग इसके बाद भी इस बकेट का यूज़ कर सकते हैं। ये बकेट बहुत मजबूत होता है वैसे। तो करना क्या है, इसमें 2.5 लीटर कोल्ड वाटर आप लोग को ले लेना है, एकदम कोल्ड लेना है, ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है वैसा। और उसके बाद हम लोग जब पाउडर लेंगे ना, सारा पाउडर इसमें मिक्स करने के बाद हमें बस एक मिनट का ही टाइम मिलेगा इसे मिक्स करने के लिए। आप एक मिनट से ज़्यादा मत लेना, नहीं तो यह ख़राब हो जाएगा। एक मिनट के अंदर ही कोशिश करना कि हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि तभी ये प्रॉपर वे में होगा। देन हाथ में कुछ ऑयल लगा लेना, कोकोनट ऑयल या कुछ भी आपके पास रहा तो। देन हम लोग हाथ डाल के उसमें इसे मोल्ड को रख देंगे अच्छे से ड्राई होने के लिए। देन हम लोग स्टेप टू का यूज़ करेंगे। स्टेप टू, जो अभी मैं प्लास्टिक को जो फाड़ रहा हूँ, ठीक है। देन हम लोग इस बकेट में स्टेप टू का माउल्ड को डाल देंगे। देन हम लोग नॉर्मल वाटर लेंगे, कोई हार्ड नहीं लेना है, और 350 टू 400 ml लेना है, उससे ज़्यादा ml आप लोग को नहीं लेना है, ठीक है। तो वाटर हम लोग डाल दिए इसमें। देन मिक्स करना है नॉर्मल वे में, इसमें कोई नहीं है कि इतना मिनट से अंदर आपको मिक्स करना होगा या इतना मिनट लगेगा। आप जितना भी टाइम लो आराम से मिक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 मिनट, चाहे 4 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लेना, इसके अंदर में ना रहे। देन हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप वाले में इसमें इसको डाल देंगे, फील कर देंगे इसको बहुत अच्छे से कि ये जब सूख जाए तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से इसमें फील हो जाएगा। देन हम लोग करेंगे क्या, इसे 3-4 आवर्स छोड़ देंगे इसमें ड्राई होने के लिए, जो अच्छे से सूख जाएगा। उससे ज़्यादा भी घंटा आप दे सकते हो, बट ज़्यादा नहीं, 4-5 घंटा इनफ होता है, ठीक है, सूखने के लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कटर से लेके इसे काटेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास कोई भी चाकू हो या कोई भी थर्माकोल कटर होता है या पेपर कटर होता है, उसका हम लोग यूज़ करके इसे अच्छे से कट कर लेंगे। और इसके अंदर वाले को बस अब काटते वक्त ध्यान रखना कि उसमें अब जो टाइड हुआ है ना, उसके अंदर वाला जो सेकेंड स्टेप था हमारा, वो ज़्यादा कुछ उसमें हो ना जाए, ठीक है। हम लोग प्यार से काटना है आराम से, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर आप हाथ से भी इसे कट करके ऐसे निकालोगे तो ये इजीली निकल जाएगा। ये निकालने में मुझे बट बहुत ही मज़ा आ रहा है तो ऐसे आप लोग आराम से बाई कर सकते हो। और इसकी ये अच्छी बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जो एनी टाइम इम्प्रेशन से आप कोई भी सामान मंगाते हो ना, या कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हो, तो 5% उसमें से जो गरीब बच्चे होते हैं ना, उन लोग को डोनेट कर दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। और इनके किट में भी बहुत कुछ मिलता है। और ये जो गोल्डन कलर मैं कर रहा हूँ, ये पहले से किट में अवेलेबल था, उसी से मैं कर रहा हूँ। तो चलो हम लोग इसे अब अरेंज कर लेते हैं, जितने कुछ को हम लोग बनाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग उस स्टैंड को यहाँ पर नीचे रख देते हैं। देन हम लोग जो गोल्डन कलर की अपने हैंड को उसे रख देते हैं। देन उसके बाद हम लोग भगवान अधियोगी को रखेंगे, जो दिखने में बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो चलो हम लोग भगवान अधियोगी को रख लेते हैं। और गाइस, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और अगर आप बाइक करना है तो आप एनी टाइम इंप्रेशन से बाइक कर सकते हो। उनका इंस्टाग्राम में भी वो लोग का पेज है, आप वहाँ से भी जाकर उनसे बात करके पहले बाइक कर सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे आप बाइक कर लेना। मैं तो बाइक किया था, बहुत ही परफेक्ट लगा मुझे ये। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।